चलो जी असं स्वागत करते हैं सारे दर्शकों का इस विशेष प्रोग्राम दे विच। ते प्रोग्राम दे विच असीं शिल्पा रेनाडे हुना दे नाल एक विशेष गलबात करन जा रहे हैं, जो कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल दे विच इंडिया तो आए हुए ने अपनी फिल्म लैके। इस फिल्म का प्रदर्शन स्क्रीनिंग लगातार टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल दे विच हुई है। तो इन्हां दी पहली एनीमेशन फिल्म द वर्ल्ड ऑफ गोपी एंड पागा, इस फिल्म के बारे असीं इन्हां दे नाल गलबात करांगे। सब तो पहला शिल्पा जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू। धन्यवाद, आप भारत से आए हो। बताइए कि इस जो द वर्ल्ड ऑफ गोपी एंड बागा है, ये क्या फिल्म है? ये एक एनिमेशन फिल्म है, फीचर लेंथ एनिमेशन फिल्म है। हमारे यहाँ इंडिया में गोपी गायन बागा बायन आपने सुना होगा, सत्यजीत रे की फिल्म थी, लाइव एक्शन फिल्म थी बच्चों के लिए, और उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की स्टोरी थी उनके, उन्होंने लिखी थी ये गोपी गायन बागा बाई, 1915 में लिखी थी। तो बहुत वैसे पुरानी कहानी है, बच्चों के लिए लिखी थी, और इस कहानी के बहुत सारे वर्जन्स निकाले गए हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेटेड बुक्स निकाले गए हैं, और मैं भी एक इलस्ट्रेटर भी हूँ, एनिमेटर भी हूँ, फिल्म मेकर हूँ, पर मुझे ये बुक मिला था, गुलजार साहब ने लिखी है हिंदी में, और उनका जो वर्जन था मुझे वो मिला था इलस्ट्रेट करने के लिए। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई मेरे लिए, मुझे बहुत मज़ा आया ड्राइंग करने के लिए उस स्टोरी के लिए, तो मुझे लगा इसकी बहुत अच्छी एनिमेशन फिल्म हो सकती है। आपने इस कहानी को, यही मेरा सवाल था कि एनिमेशन के ज़रिए ही क्यों बनाने का सोचा? इसकी ऑलरेडी लाइव एक्शन फिल्म बनी है। अच्छा। और सत्यजीत रे की फिल्म ऐसी है, इतनी क्लासिक फिल्म है, इतनी लोगों को पसंद आई है फिल्म, और सबको पता है ये फिल्म, तो फिर से लाइव एक्शन बनाने में कुछ मतलब भी नहीं था। तो और मेरा फोर्टे जो है, मेरा काम जो है एनिमेशन में होता है, तो मुझे सब एनिमेशन में एक्चुअली दिखता है इन अ सेंस, यू नो, तो मैं कुछ स्टोरी पढ़ती हूँ तो मुझे वो एनिमेटेड इमेजेस नज़र आते हैं, तो मुझे लगा ये अच्छी बन सकती है बच्चों के लिए, और ख़ासकर आज के बच्चों के लिए जिनको एनिमेशन अच्छा। का ज़्यादा एक्सपोजर है। तो जो पुरानी कहानी हम यू नो हम बड़े हुए हैं सुन के, आज के बच्चों को भी मिल सकती है, तो मुझे लगा एनिमेशन इज़ अ गुड, अच्छा मीडियम है इस कहानी को बताने के लिए। अच्छा, बताएंगे कि ये इतनी पुरानी कहानी है गोपिया एंड बागा की, और दूसरी ओर आपको ये भी पता है कि आज के जो बच्चे हैं कितने मॉडर्न हैं, सो इतनी पुरानी कहानी आज के बच्चों को पसंद आएगी? ये कहानी वैसे ऐसी क्लासिक कहानी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्केलेटन जो है वो कहानी का, वो कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो उसका जो फ्लो है, नैरेटिव है, वो हमने रिटेन तो किया है, वैसे ही रखा है, पर उसमें कुछ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लेके आए हैं, कुछ बदल है उसमें, कुछ एडवेंचर डाला है, पेसिंग ज़्यादा यू नो पेसी किया है, उसको क्विक बनाया है स्टोरी को। अच्छा। तो बहुत इवेंट्स हैं, बहुत एडवेंचर, बहुत कैरेक्टर्स, और सब जल्दी होता है, तो आज के बच्चों को मेरे ख्याल से पसंद आएगा। बहुत बिजी है इन टर्म्स ऑफ लुक फील, उसमें ये कैरेक्टर्स जो हैं बहुत फैंटेसी कैरेक्टर्स हैं, तो मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों को ये सब पसंद आता तो है, यू नो। अच्छा, ये बताएंगे कि एनिमेशन का ये दौर तो है, लेकिन एनिमेशन पिक्चर बनाना कितना मुश्किल है काम? एनिमेशन पिक्चर बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है। अच्छा। बहुत काम करना पड़ता है, रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए, लोग चाहिए, इसके लिए पैसे तो चाहिए, और इंडिया में ज़्यादा फंडिंग है नहीं एनिमेशन। अच्छा। के लिए पर लकीली ये चिल्ड्रंस फिल्म है, इसलिए हमें सपोर्ट मिला है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी की तरफ से, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वैसे सपोर्ट हमें मिला। अच्छा। बनाने के लिए, और
टू एंड हाफ ईयर्स लगे हैं ये बनाने के लिए, तो आपको पता लगेगा कैसे इट्स डिफ़िकल्ट, ऐसे डिफ़िकल्टीज होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है एनिमेशन में, और फिर वो डिसेमिनेट करने में भी बहुत काम होता है कि लोगों तक पहुंचाने में, वो भी एक बड़ा काम है। अच्छा, दो ढाई साल ही ग्रेविटी को बनाने में लगे, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म इस टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आई हुई है। NFDC जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसकी मदद आपने कोई मांगी या नहीं मिली या क्या हुआ? उनकी मदद तो नहीं मांगी, क्योंकि CFSI भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है NFDC का। अच्छा। तो वैसे उनके इंटरेस्ट सेम है, तो NFDC से वैसे अलग मदद नहीं मांगी हमने, CFSI ने पूरा सपोर्ट किया है। सो क्या वजह है कि आप इस फिल्म फेस्टिवल में इस पिक्चर को लेके आए हैं? टिफ तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मेरे ख्याल से हमारी स्टोरीज़ जो हैं, इंडियन स्टोरीज़ जो हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए। अच्छा। लोगों ने देखना चाहिए, लोगों को ये भी पता लगना चाहिए कि हमारे स्टोरीज़ कैसे हैं, कैसे नैरेटिव है, किस तरह का विजुअल होता है इन इंडियन स्टोरीज़। और ये टिफ से सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है। टिफ इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और यहाँ जो मैंने दिखाई फिल्म, यहाँ के बच्चे आए थे, लोकल बच्चे, कनेडियन बच्चे, और बहुत रिफ्रेशिंग लगा उनके रिएक्शंस देख के। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है इन अ सेंस, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, हिंदी में है, और विजुअल बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा डायलॉग है, बहुत सबटाइटलिंग भी किया है हमने इंग्लिश में, विजुअली रिच है। तो मुझे लगा शायद यहाँ के बच्चों को पसंद ना आए, पर सरप्राइजिंगली उनको बहुत पसंद आई। इट वॉज़ वेरी हार्टनिंग कि यू नो कि अपनी स्टोरीज भी इंटरनेशनली कुछ रीच है उसके लिए। सो ये शिल्पा जी हैं हमारे साथ, जो फिल्में बनाते हैं, और पहली इनकी एनिमेशन फिल्म है जिसको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये लेके आए हैं। सो आपकी फिल्म में गोपी एक सिंगर है, भागा जो है वो ढोलक बजाता है। सो फिर भी हमारी ऑडियंस को थोड़ा, क्योंकि स्टोरी पुरानी है, बेशक बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से को नहीं भी पता होगा, थोड़ा बताएंगे जी? गोपी और भागा, जैसे आपने कहा, म्यूजिशियंस हैं। गोपी को गाना है, भागा को ड्रम बजाना है, अपना ढोलक बजाना है, और दोनों मन से तो बहुत अच्छे हैं, पर म्यूजिशियंस अच्छे नहीं हैं। अच्छा, तो अच्छा। पर उनको, उनकी जो एम्बिशन है, म्यूज़िक एम्बिशन है, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो वो गाना तो गाते हैं, बजाते भी हैं, पर उनके जो विलेजर्स हैं, उनके साथ जो रहने वाले होते हैं, उनके कान पक जाते हैं। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि इनको निकाल दो यहाँ से, और वो वहाँ से निकाले जाते हैं, एक फॉरेस्ट में उनको भेज दिया जाता है, और वहाँ पे ये दो मिलते हैं, एक गाता है और एक बजाता है। तो उन्होंने, उनको लगता है कि हम एक दूसरे के साथ गाना तो बजा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, बजा सकते हैं, तो वो वैसे करते हैं फॉरेस्ट में जाके, और वहाँ एक भूत राजा उनको सुनता है। अच्छा। और उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है उनका म्यूज़िक, तो वो उनको तीन ऐसे बूंद्स दे देता है, और वो बोलता है आपको जो इच्छा है मैं आपकी इच्छा पूरा कर दूंगा। तो गोपियन बागा सोचते हैं क्या, हमें क्या चाहिए, हमें तीन चीज़ें तो चाहिए, और उनको सुनाई देता है चार बूंद्स। तो वो बोलते हैं चार बूंद्स आपने हमें बताया, तो उन्होंने, भूत राजा बहुत अच्छे होते हैं, वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं चार दे देता हूँ। तो वो हमारी कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है, पहली जो पुरानी कहानी थी उनको तीन ही विशेज मिलते हैं। अच्छा। तो यहाँ को उनको चार मिल जाते हैं। तो गोपी बागा बोलते हैं हमें अच्छा, हमारा गाना सुन के सब मुग्ध हो जाने चाहिए। अच्छा। और हमें सब अच्छा खाना मिलना चाहिए। अच्छा। सबको ये विश चाहिए, एंड हमें जहाँ जाना है जा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो भूत राजा बोलता है ठीक है आप गाना गाएंगे और सब बिल्कुल मुग्ध हो जाएंगे, और आप
एक मंत्र मैं देता हूँ, आप ये बोल दीजिए और आपको कोई भी खाना अपने पसंद का मिल जाएगा। और फाइनल जो और एक तीसरी विश जो है, आपको जहाँ जाना है ये मैजिक शूज़ हैं, ये पहन लो और बोल दो कहाँ जाना है, तो वहाँ पहुँच जाओगे। और चौथी विश, उनको ज़्यादा कुछ एम्बिशन नहीं है तो वो बोलते हैं ठीक है हम ये बाद में पूछ लेंगे आपको। अच्छा। तो ये उनका एडवेंचर यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये दो किंगडम्स में जाते हैं, हुंडी और शुंडी। और हुंडी और शुंडी के जो राजा होते हैं वो जुड़वे होते हैं, जुड़वे भाई होते हैं, पर दे आर फाइटिंग। तो उनका जो काम है, गोपी बागा जो जितना अच्छे मन के बहुत अच्छे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये पूरा वॉर ख़त्म कर देते हैं। तो ये स्टोरी है कि वो पूरा कैसा एडवेंचर करते हैं और कैसे ये दो भाई को साथ लेके आते हैं। और फाइनली एक एंटी वॉर काइंड ऑफ अ मैसेज है इसमें, पीस के लिए काम करते हैं ये। और फाइनली उनको प्रिंसेसेस भी मिल जाते हैं शादी करने के लिए, और ये कॉमन मैन जो है वो किंग हो जाता है। और फाइनल जो उनकी विश है वो भी उनको मिल जाती है, और वो कहते हैं कि यहाँ की प्रजा को की आवाज़ नहीं थी उन प्रजा को, तो वो बोलते हैं ये हमारी विश हम लोगों को दे देते हैं और उनकी आवाज़ वापस आ जाएगी और हम साथ गाएंगे, नाचेंगे, बजाएंगे। वेरी गुड। चलो जी, होर ज़्यादा जानने लिए तुहानू ये फिल्म देखनी पेगी। कनेडियन ऑडियंस के लिए कब ये पिक्चर आप रिलीज़ कर रहे हो? पहले फेस्टिवल सर्किट में दिखाएंगे और होपफुली सून, जल्दी से यहाँ भी रिलीज़ होगी। इंडिया में नवंबर में रिलीज़ है, प्रीमियर तो नवंबर में है, उसके बाद देखेंगे कैसे यहाँ के बच्चों को भी दिखा सकते हैं इंडिया में भी। थोड़ा बताएंगे कि थोड़ा ये भूत वाली फिल्में काफ़ी बन रही हैं इसी फिल्म फेस्टिवल में। एक पंजाबी फिल्म किस्सा है, उसमें भी भूत है, इरफान खान बने हुए, आपकी फिल्म में भी भूत वाली बात है। अभी अभी सिनेमा में यहाँ हानी फिल्म पंजाबी रिलीज हुई है, उसमें भी भूत है। सो ये ऑडियंस को इतने पसंद आ रहे हैं भूत? ये मुझे पता नहीं था सब फिल्मों में भूत हैं। अच्छा। पर गोपी गायन बागा बहन में भूतेर राजा जो हैं, वो पहली जो ओरिजिनल स्टोरी है। अच्छा। वो इतना सबके एक पसंदीदा कैरेक्टर है। अच्छा। बहुत क्लोज कैरेक्टर हैं, जिनको ये स्टोरी पता है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो हमारा जो भूत है वो बहुत एक अच्छा भूत है। अच्छा। वो सब उनको ये विशेस देता है, उनकी मदद करता है, सो ये फ्रेंडली भूत है वैसे। ठीक है, ये हैं हमारे साथ शिल्पा जी, भारत से यंग फिल्म मेकर मैं तो कहूँगा, और कनाडा में भी काफ़ी सारे लोगों की इंटरेस्ट है कि वो फिल्मों में जाना चाहते हैं, हिंदी फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में। वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी काफ़ी रिच हो रही है कनेडियन टैलेंट से भी। सो जो लोग यहाँ से कनेडियन, हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग स्पेशली इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आपका उनके लिए कोई मैसेज है? बाकी फिल्म इंडस्ट्री तो है बड़ी अपने पास इंडिया में, बॉलीवुड तो है, एनिमेशन की जो इंडस्ट्री है वो अभी तक तो थोड़ा बैक एंड इंडस्ट्री है। और क्या हो रहा है कि यहाँ का जो काम है, बड़े स्टूडियोज़ का काम है, अमेरिका का जो काम है, वो जहाँ वो हमारे पास आता है और वैसे बैक एंड का काम हो रहा है। पर मुझे लगता है कि यहाँ का जो टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आके इंडिया में काम करना चाहिए या यहीं पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा। और अपने जो स्टोरीज हैं वो इफ़ यू कैन ब्रिंग टू द ऑडियंस, वो एक बहुत बड़ा काम होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें आगे जाना चाहिए अपनी स्टोरीज लेके और दुनिया को दिखाना चाहिए। और मुझे यहाँ पे तो लगा, जहाँ मैंने दिखाई थी फिल्म यहाँ पे, अपने प्रीमियर हुआ था, तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया, तो मुझे लगता है कि अपनी स्टोरीज को पुश करना ही चाहिए अपने लोगों को। बिल्कुल जी, उससे जो इंडिया का हेरिटेज है, इंडिया का कल्चर है, उसके बारे में दूसरे लोगों को, दूसरे और कल्चर्स को पता चलता है। आप तो बच्चों पे इतना काम कर रहे हो, बच्चों के लिए फिल्में बना रहे हैं, बच्चों के ही मन में फिल्में देख देख कर होता है कि मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, मुझे भी एक्टर बनना चाहिए, मुझे भी डायरेक्टर बनना चाहिए। सो उन लोगों को जिनके मन में ये बात आती है, वो बहुत दफ़ा अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते जब वो मना करते हैं। तो आप क्योंकि फिल्म मेकर हैं, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बड़े होकर फिल्म मेकर बनना चाहते हैं?
फिल्म मेकर बनना अच्छी बात है मेरे ख्याल से, बहुत क्रिएटिव फील्ड है, बहुत सेटिस्फाइंग फील्ड है. तो आपको अगर इंक्लिनेशन है इस फील्ड के लिए, आपको लगता है आप कुछ कर सकते हैं, आपको कुछ कहानी बतानी है, बनानी है, दिखानी है, बनना चाहिए फिल्म मेकर. अच्छा. ऐसे कुछ नहीं है कि इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है. क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत सेटिस्फैक्शन है मेरे ख्याल से. अच्छा. और बहुत ग्रोथ है और बहुत पोटेंशियल है. तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी ओपन रहना चाहिए. अच्छा. इन आइडियाज़ के लिए. और आजकल ये भी एक मेन स्ट्रीम एरिया बन गया है. तो ऐसे कुछ नहीं है कि यही एक निश एरिया है, छोटा एरिया है, ऐसे कुछ नहीं है. ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पॉजिटिव एरिया है फिल्म मेकिंग. पेरेंट्स को ज़्यादा डर उस वक्त लगता है जब उनकी कोई बेटी फिल्मों में आना चाहती है. तो आप फीमेल हैं, लड़की हैं, आप फिल्मों में हैं, तो उन पेरेंट्स को जिनको लड़कियों को डर लगता है फिल्मों में भेजने से, जहाँ स्पेशली लड़कियां जो फिल्मों में जाना चाहती हैं, आप लड़की होकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसे कभी नहीं लगा है मैं लड़की हूँ इसलिए कुछ प्रॉब्लम है. आई थिंक एक चीज़ ऐसे है कि हम अपनी तरफ कैसे देखते हैं. अच्छा. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड अगर हम अपनी तरफ मैं लड़की हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, ऐसे लगा तो लोग भी वैसे ही देखेंगे आपको. आप एक इंडिविजुअल हो, ये इम्पॉर्टेंट है. अच्छा. और आप ऐसे अपने फील्ड को अप्रोच करोगे तो लोग भी वैसे ही आपको देखेंगे, एज एन इंडिविजुअल, एज अ फिल्म मेकर, मैन और वुमन, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं देखेंगे लोग अपने आप में. सो आपने अपने काम से अपनी जगह बनानी है. बिल्कुल. तो आप बताना चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा जब आप फिल्मों में जाने की बात उनसे करी? बहुत ही सपोर्टिव थे मेरे पेरेंट्स. अच्छा. पहले से ही हमें बताया गया कि यू हैव टू फॉलो योर एम्बिशंस. आपका जो फोर्टे है, आपको जो अच्छा काम करना है वो फॉलो करो. ऐसे कभी नहीं बोला कि यू नो इस फील्ड में मत जाओ. इनफैक्ट मेरे फादर ने बहुत इनकरेज किया कि आपको आर्ट में इंटरेस्ट है और फिल्म में इंटरेस्ट है तो एनिमेशन बहुत ही अच्छी एरिया है. बहुत इनकरेज किया. इनफैक्ट अभी मेरे फादर नहीं रहे पर उनको इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता ये देख के कि मेरी फिल्म टिफ में आई है और मैंने बच्चों को दिखाई और इतनी फिल्म बन गई है 2.5 years में. तो बहुत प्राइड फील करते हैं इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स. सो जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो पेरेंट्स को गर्व होता ही है. तो आपने ये पहली फिल्म द वर्ल्ड ऑफ गोपी एंड बागा बनाई है एनिमेशन. सो फ्यूचर एंडेवियर एनिमेशन में और भी होंगे? बिल्कुल. अभी ये फिल्म तो हुई है. ये फिल्म लोगों को दिखाने में भी बहुत काम बाकी है मेरा. तो वो 1 साल तक तो चलेगा काम. उसके बाद और एक फिल्म बनेगी. एनिमेशन में ही बनानी है मुझे. चिल्ड्रन के लिए बनानी है. तो वो भी एक बड़ा लंबा काम है. वो तो करूँगी मैं अगली. तो बताना चाहेंगे एक बार हमारी ऑडियंस को फिर दोबारा कि ये वर्ल्ड ऑफ गोपी एंड बागा आपकी फिल्म जब आएगी सिनेमाज में लगेगी तो लोग क्यों देखने जाएं? लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि बच्चों की फिल्म है, बच्चों के लिए बनाई है. पर एक जनरल अपील भी है उसमें. तो ऐसे ही नहीं कि बच्चों को ही पसंद आएगी. मेरे ख्याल से स्टोरी इतनी एंगेजिंग है. अच्छा. इतनी मज़ेदार है कि किसी को भी पसंद आएगी. अच्छा. मुझे लगता है देखनी चाहिए क्योंकि थोड़ी अलग है फिल्म. अपने रेगुलर कार्टून्स जो होते हैं वैसी नहीं है. डिज्नी स्टाइल का नहीं है जो पहले हमारे देश में वो ही बनाया जाता था. लोगों ने सिर्फ वो ही देखा है. तो मुझे लगता है कि कुछ अलग देखना हो, कुछ अलग अपने देश का देखना हो तो ये फिल्म ज़रूर देखें. ठीक है जी. ये तो हैं साढ़े नाल प्रोग्राम दे विच ये फिल्म द वर्ल्ड ऑफ गोपी एंड बागा दे डायरेक्टर. प्रोग्राम के अखीर में शिल्पा जी ये जरूर बताते जाइए हमारे दर्शकों को कि फिल्मों में आना, काम करना, डायरेक्शन देना, प्रोडक्शन में आना, ये सीख के करने वाला काम है कि जहाँ हैं जी घर से उठो और चले जाओ फिल्म इंडस्ट्री में फिर सब कुछ अपने आप आ जाएगा.
बिल्कुल नहीं, आपको सीखना चाहिए। अच्छा। और मैंने भी बहुत सीखा है, बहुत साल सीखा था और अभी मैं सिखाती भी हूँ। अच्छा। मैं IIT में प्रोफेसर हूँ अभी और मैं एनिमेशन सिखाती हूँ बच्चों को और मास्टर्स लेवल पे। और मेरे ख्याल से एजुकेशन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपने आप को डिस्कवर करने के लिए एज अ फिल्म मेकर, एज अ मेकर ऑफ एनी फिल्म। तो एजुकेशन कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपने के लिए है कि आप कुछ अच्छा सीरियस कोर्स कीजिए फिल्म मेकिंग में, मीडिया में, डिज़ाइन आर्ट जो भी रिलेटेड है फिल्म से, एनिमेशन में मेरे ख्याल से करना चाहिए और बहुत अच्छा बेस मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी कि आप प्रोग्राम में आए और हम आप और कामयाब हों, आपको सक्सेस और ज़्यादा मिले इसकी हमारी दवा है। और धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत मेहरबानी। चलो जी फिर इस दे नाल ही ये विशेष प्रोग्राम असी इत्थे करदे हां समाप्त। सत श्री अकाल।